सिंधु भैव च पतितानांग पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महाबदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते। वैदग्ध सिंधुर अनुरागैक सिंधु लावण्य सिंधुरति सांद्र कृपायक सिंधु वात्सल्य सिंधुर अमृत चर्भिकेलि सिंधु श्री राधिके स्फुरतु मे हृदि केलि सिंधु। वृंदाय तुलसी देवै प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रद देवी सत्यवतै नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद बोल हरि कृष्ण 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 हरि 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 राम 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 हरि हरि बोल हरि कृष्ण 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 हरि 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 राम 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 हरि हरि। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्मा नितलीला प्रविष्णु विष्णु पाद अष्टोदर शत श्री श्री श्रीमद भक्ति श्री रूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्मा नितलीला प्रविष्णु विष्णु पाद अष्टोदर शत श्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज के चरण सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित वैष्णव वैष्णवी सभी को मैं यथाजी को प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण। हम लोग गीता को ऊपर में श्रवण कर रहे थे, इसलिए गीता का एक श्लोक ऊपर में हम लोग विचार करेंगे। इसलिए जो गीता है, गीता का जो सर्वश्रेष्ठ उपदेश है, हैं कौन सा श्लोक है? कहते मन मना भव मत भक्त भव माम जाजी माम नमस्कुरु माम एसस सत्यम प्रतिजानी प्रियसे। कहते ये गीता का सर्वश्रेष्ठ श्लोक है। कहते इसी श्लोक में कहते ये श्लोक कृष्ण बोलने से पहले कहते गीता में उन्होंने गुह्य गुह्यतर और गुह्यतम कहते ये तीन उपदेश दे चुके थे। कहते गुह्य विद्या क्या है? कहते ब्रह्म विद्या है। कहते गुह्यतर जो विद्या है वो परमात्मा विद्या है और गुह्यतम जो विद्या है कहते ये भगवत विद्या है, हैं जिसको भागवत में बताए बदंती तत्त्व विदस तत्व जज ज्ञानम मद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्द थे। इसलिए भागवत में बताए कहते जो ज्ञानी लोग हैं विद्वान लोग हैं वो एक ही तत्व है, लेकिन ये एक ही तत्व को तीन तरह के व्यक्ति तीन रूप में दर्शन करते हैं। कहते जो ज्ञानी हैं उनको किस रूप में दर्शन करता है? कहते एक ब्रह्म ज्योति रूप में दर्शन करता है। कहते जो योगी है कहते एक ही तत्व है लेकिन उसको वो परमात्मा रूप में दर्शन करता है, लेकिन जो भक्त है उनको भगवान का रूप में उनको दर्शन करते हैं। इसलिए यहाँ कृष्ण कह रहे हैं हे अर्जुन अभी तक मैंने तुमको ये सारे विद्या बता चुका हूँ, लेकिन अभी जो उपदेश देने जा रहा हूँ कहते सर्व गुह्यतम पियो कहते जितने गोपनीय में भी कहते जो सर्वश्रेष्ठ जो गोपनीय ये बात मैं तेरे को बताना जा रहा हूँ। बोले कारण क्या? बोले कारण है तू मेरे दोस्त हो तू मेरे सखा हो। अब देखना इस संसार में जैसे परिवार के क्षेत्र में भी देखना अगर कभी संसार में कोई लड़ाई झगड़ा अशांति हो जाए ना, आप देखना जो बात परिवार में अब किसी को भी नहीं बोल सकते हो वो बात तुम दोस्त को बोल सकते हो, देख लेना।
संसार में ऐसे हो गया, जैसे पिता माता को साथ में, पत्नी को साथ में, बच्चों को साथ में, ऐसे कुछ बात हो जाता है। अब दुख का बात किसको बोलोगे? पिताजी को बोलोगे ना, मैया को बोलोगे ना, बीवी को बोलोगे ना, बच्चों को बोलोगे? किसी को भी बोल नहीं सकते। किसको बोल सकते हो? दोस्तों को बोल सकते हो। बोले दोस्त क्या बताऊँ, ये अंदर की बात है, अपना घर की बात है। अभी हम बोले किसको हैं? कोई मेरी पत्नी है, कोई मेरे बच्चे हैं, कोई मेरी पिता माता है। अभी ये समस्या बोलो किसको? हम किसी को भी बोल नहीं सकता हूँ। तो मेरे प्यारे दोस्त हो, इसलिए मैं तुमका अपना अंदर की बात मैं तुम्हें बताता हूँ। दोस्त हो बोलोगे ना, पर दोस्त हो सकता है आकर को समस्या को हल कर सकता है, परिवार में कोई हल नहीं कर सकते। इसलिए कृष्ण कहते हे अर्जुन, इसलिए मैं तुमको सर्वश्रेष्ठ गोपनीय बात बताता हूँ, चूंकि तुम मेरे दोस्त हो हैं, इसलिए मैं तेरे को सर्वगृहतम बात को मैं बताता हूँ। इसलिए तब भगवान ने ये श्लोक बोले, बोले क्या बोले? बोले मनमना भव। यहाँ क्या कह रहे हैं भगवान? कि तुम मेरे भक्त बनो हैं, इसलिए मेरे भक्त तुम बनो, और किसका भक्त मत बना करो। भक्त बनना तो किसका भक्त बनो? कहते मेरा ही है, नहीं मन मना भव। अगर मन किसको देना चाहते हो तो किसको मन दो? केवल ये मन तू मुझे ही दिया करो, और किसी को ये मन को तू मत दिया करो। तो यहाँ पर श्री विश्वनाथ चक्र ठाकुर टीका में बहुत कुछ बताते हैं, लेकिन उसमें हैं, इसलिए कहते जो मन मना भव है, कहते मन मना, कहते मत मना, जो मन को तो मेरे को दो। वो बोले तो तुम्हारे जो मन को तेरे को दो, किस रूप में देनी चाहिए? तो वहाँ कहते हैं, कहते मेरे ये जो श्याम सुंदर रूप है भगवान का, तो बहुत मैं बता रहे, जैसे मत्स्य, कुर्म, वराह, नृसिंह, बामन, परशुराम, राम, बलराम, बुद्ध, कल्कि, भगवान तो बहुत सारे रूप है। अब यहाँ प्रश्न आता है, ये मन को हम किसको दे? कहते और किसको नहीं दो? ये विश्वनाथ चक्र ठाकुर कहते हैं कृष्ण, वो जो कृष्ण एक होने पर भी कृष्ण तीन कृष्ण है, कृष्ण रसभेद में तीन है। कहते कृष्ण जब द्वारका में रहते हैं, कहते वो कृष्ण पूर्ण कृष्ण है, लेकिन वही कृष्ण जब रहते हैं मथुरा में, कहते ये पूर्ण तरह है, लेकिन वही कृष्ण जब रहते हैं वृंदावन में, कहते ये पूर्णतम कृष्ण है। इसलिए कहते जो मन को अभी हम किसको देनी चाहिए? हम अभी द्वारकाधीश कृष्ण को दे ना, मथुरे से कृष्ण को दे ना, वृंदावन कृष्ण को दे, कौन सा कृष्ण को ये मन देनी चाहिए? इसलिए कहते आराध्य भगवान ब्रज सतन। इसलिए हमारी जो आराध्य है, कहते ये ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर, ये हमारी आराध्य। लेकिन वो आराध्य होने पर भी कहते गुरुदेव कहते ब्रज में भी तीन कृष्ण है, ब्रज में भी वो भी तीन कृष्ण है। कहते सखाओं का एक कृष्ण, कहते मैया जसोदा का भी एक कृष्ण, और एक कृष्ण गोपियों का भी एक कृष्ण है, वहाँ पर भी तीन कृष्ण है, एक होने पर ही वहाँ तीन कृष्ण है। अभी प्रश्न है गुरुदेव, कहते भाई ये मन को हम कौन सा कृष्ण को दे, कौन सा कृष्ण को मन दे? बोले दूसरे कृष्ण को नहीं, बोले ब्रज वधु भरगे न जा कल्पिता। कहते ब्रज गोपियों ने जिस धारा को उन्होंने अपनाया, जिस रूप में उन्होंने कृष्ण सेवा की, कृष्ण को भक्ति की, हमें ये जो मन है ना, केवल गोपियों को। इसलिए बोले गोपी भरत पद कमल हो दास दासानुदास, हम बोलते हैं ना, नाम बरनी न च गृहपति न जतिर्वा हैं, किंतु प्रदेव न निखिल परमानंदपुर ने गोपी भरत पद कमल हो दास दास दासानुदास। इसलिए हम किसकी दास बने? बोले गोपियों को जो भरता जो कृष्ण है, इसलिए वही कृष्ण को ही हमें आराधना करनी चाहिए। इसलिए कहते जो मन है मत मना, हाँ मन, ये मन को मेरे को दो। तब तो यहाँ पर श्री गुरुदेव इसके ऊपर में हैं विश्वनाथ चक्र ठाकुर तो यहाँ पर कह रहे हैं, कहते श्री श्याम सुंदर जो रूप है हैं, बड़ी सुंदर जो सुंदर घुंघड़ाली जो केस वाले हैं, और बड़ी सुंदर उनका भ्रुकुटी है, बड़ी सुंदर उनकी कटाक्ष है, बड़े सुंदर उनका मुखचंद्र है, हैं, कहते इसी कृष्ण को दो। लेकिन गुरुदेव जब उसको पर टीका लिखते हैं, हैं, प्रकाशिका वृत्ति जब लिखते हैं, तब वहाँ पर गुरुदेव कहते हैं, वहाँ पर जो मन मना जो भक्त कृष्ण कहते हैं, ये मन को केवल मेरे को दो,
किस लोगों ने संपूर्ण रूप में ये मन को कृष्ण को दिया, कभी इसका कोई प्रमाण क्या है, इसमें कोई क्या प्रमाण है? तो कृष्ण खुद कहते हैं। किसको कहते? उद्धव जी को है। जब कृष्ण उद्धव जी को वो ब्रज में भेजते हैं, हैं, ब्रज में भेजते समय गोपियों की प्रेम की जो सर्वतमता को कृष्ण स्वयं यहाँ पर अभिव्यक्ति करते हैं, क्या कहते हैं? बलिता मन मनस्का मत प्राणा मदर्थे त्यक्त देहिका मामेव दैतम पृष्ठ मात्मानं मनसागता। हैं, इसलिए कहते हैं उद्धव तुम्हें क्या बताऊं, ये जो गोपियां हैं ना, संपूर्ण रूप में ये गोपियों ने ये जो मन मनस्का संपूर्ण रूप में मेरे को प्रति मत पे मेरे में ही अपना मन को डुबो करके रखे हैं। मत प्राणा, उनका जो प्राण है ना केवल मेरे में ही बैठा हुआ है। अब मदर थे त्यक्त देहिका, मेरे लिए उन लोग ने सब कुछ त्याग दिया है, हैं, इसलिए संपूर्ण मन प्राण चित्त संपूर्ण रूप में मेरे को सर्वस्व जीवन में मनाया है, हैं, इसलिए उन लोगों ने मेरे लिए अपना घर बार पुत्र परिवार सब कुछ लज्जा छोड़ छाड़ करके दिन रात केवल मेरे में ही अपना मन को लगा करके बैठा हूँ, हैं, इसलिए कहते इन्होंने प्राण क्यों धारण करके रखा, अभी तक मेरे विरह में मरे नहीं, क्यों प्राण क्यों धारण करके रखा? बोले इसलिए प्राण धारण करके रखा, मैं आते समय में बोल करके आया था मैं आज जा रहा हूँ, कल कंस को उधार करके मैं परसों आ जाऊंगा। इसलिए ब्रज में भी अभी एक गांव का नाम है सी परसों, कृष्ण जहाँ पर गोपियों को ये बताए थे मैं परसों आ जाऊंगा, श्री बज्रनाभ ने उस स्थान का नाम भी रखा सी परसों, कृष्ण यहीं पर बोल करके आए थे मैं परसों आऊंगा। इसलिए किसी तरह से अपना प्राण को किसी तरह से धारण करके रखे, किसी तरह से धारण करके रखे। इसलिए तब गुरुदेव यहाँ पर एक सुंदर कथा सुनाते, कैसे उनका मन कैसे संपूर्ण मेरे में ही उनका चित्त कैसे लगा हुआ। गुरुदेव एक सुंदर कथा सुनाते हैं, कहते ब्रज में जो गोपियाँ साधी होकर के आती हैं, जो जन्म लेती हैं, वो कोई साधारण नहीं है, हैं, क्योंकि कहना श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जीवे दया करी सपार सदस्य धाम सहावतरी, वो धाम और पूरा अपना भक्तों को लेकर के आते हैं, वो ऐसे नहीं, ब्रज में जब कृष्ण आते हैं उस कोई साधारण वो नहीं है जो गोपियाँ, कहते कौन कौन गोपियाँ हैं, कहते पूर्व जन्म में जो दंडकारण्य के जो ऋषि लोग थे, जो वेद का कुछ मंत्रों ने गोपी भाव से जो भजन किया है, भगवान बोले तुम लोग द्वापर युग में आओ, उस उन लोगों ने गोपी बन करके आए, कहते वेद का मंत्र हैं, दंडकारण्य का ऋषि और जनकपुरी की, जब भगवान जनकपुरी में गए थे उनकी भावना देख करके बोले तुम सबके सब कृष्ण अवतार में आओ, कहते उन लोगों ने हैं, उन लोगों ने कहते स्वर्ग कुछ कुछ देवियाँ हैं, जिन्हें कि जब कृष्ण आए उन लोगों ने ही ब्रज में गोपी बन करके आए, जब गोपी बन करके आए अभी अभी ब्रज में उनकी शादी होती है, किस किसी गोपों को साथ में शादी हो गई, शादी जब होती है कहते ये स्वर्ग सिद्धि को बाद में, स्वर्ग सिद्धि को बाद में कहते जब वस्तु सिद्धि होने आता है, हैं, स्वर्ग सिद्धि मतलब हर जीवों के अंदर में एक कृष्ण भक्ति करने का एक वृत्ति है, स्वरूप है, हैं, साधन साधन करते 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 वो प्रेमावस्था में वो स्वरूप प्रकटित तो होते होने पर फिर क्या होता है, कृष्ण जिस ब्रह्मांड में जन्म ग्रहण करते हैं फिर वो लोग उसी ब्रह्मांड में जोग माया उनको जन्म देती है, जन्म देने पर जो नित्य सिद्ध जो वहाँ पर भक्त लोग हैं, जैसे जैसे ललिता विशाखा चंपकला लता आदि कहती जो सखियाँ हैं, जो दाम श्रीदाम वसुदाम, उनका जो नित्य सिद्ध परिकर है उनके साथ उनका संग होता है, संग होने पर क्या होता है, जैसे हम लोग जब जन्म हुए हम लोग ने क्या देखा, पिता माता में क्या संबंध है, मैया पिताजी को साथ में कैसे बात करती है, पिताजी माँ को साथ में कैसे बात करती हैं, चाचा चाचियों में कैसे बात होता है, भाई हैं बहन कैसे पिताजी को प्रतिभाव क्या होता है, बचपन में वही चीज को देख 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 कर हम भी सीख जाते हैं, भैया मैया को साथ में ऐसे बात करनी चाहिए, पिताजी को साथ में ऐसे बात करनी चाहिए, बहनी ये मेरी बहनी है, बहनी को साथ में ये संबंध है, ये मेरी भाई है, ये भाई को साथ में मेरी ऐसे संबंध, देख 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 कर सीखता है,
इसलिए कहते जो नित्य सिद्ध परिकर है, ये जो साधन करके आए, जब उनकी संग होता है, संग करते करते वो कृष्ण को कैसे प्यार करते हैं, कृष्ण को कैसे हैं बोलते हैं, कृष्ण के साथ में कैसे व्यवहार करते हैं, धीरे 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 उनका जो भाव है ना, ये जो साधन सिद्ध जो साधन करके आए, धीरे धीरे इनके अंदर में भाव संक्रमित होता है, समझते हैं। इसलिए कहते जिस कृष्ण, जब कृष्ण गया चराने के लिए जाते हैं, कृष्ण सुंदर सुंदर मीठी मीठी बंसुरी बजाते हैं। अभी बंसी ध्वनि सुन करके जितने ब्रज की ब्रजवासी जो जो काम करता है वो वहीं पर रख देता है, रख करके सब के सब झुंड के झुंड आ जाते हैं। बोले क्यों? बोले कृष्ण गया चराने के लिए जाएंगे, अभी दिन भर कृष्ण दर्शन नहीं मिलेगा। कब कृष्ण दर्शन मिलेगा? जब कृष्ण फिर गोचारण करते हुए वापस आएंगे, फिर कृष्ण बंसुरी बजाते हैं, फिर कृष्ण दर्शन के लिए आते हैं। जब कृष्ण गोचारण करने जा रहे थे, कृष्ण मिठी मिठी बंसुरी बजाए, अरे बंसी ध्वनि सुनते ही सारे ब्रजवासी सब चोर चाड़ कर भगे। इतने में जो कि नई बहू शादी करके आई थी, वो बोली मैं भी कृष्ण दर्शन करने के लिए जाऊंगी। लेकिन उस सास ने कहा देखो तुम मत जाया करो। बोले क्यों? बोले वो काला सांप एक बार काट देगा ना, फिर वो जहर नहीं उतरेगा। बोले तो डोकरी होकर जा रहे हो, तेरे को काटेगा नहीं, वो टोकरा होकर के जा रहा है, बूढ़ा होकर के उसको काटेगा ना, फिर नणंद भी जा रहा है, सबके सब जा रहे हो, काटेगा नहीं मेरे को। बोले तेरे को ही काटेगा और किसको काटेगा नहीं, इसलिए मत जाया करो। वो किसकी बात सुनी नहीं, बोले मैं भी जाऊंगी। वो भी ऐसे घूंघट उठा करके दर्शन कर रही थी। कृष्ण को तो सब पता कौन कहाँ किस रूप में। अभी कृष्ण की कृष्ण को सबका भाव बढ़ाना पड़ता है, हैं जानते हैं। इतने में कृष्ण जब जा रहे थे, अभी उनका नजर नई बहू के ऊपर पड़ी। पूर्व जन्म में कैसे कठोर तपस्या करते हुए उन लोगों ने कैसे ब्रज में गोपी बन करके आए। अभी इनकी भाव को पुष्ट करना पड़ेगा, इसलिए इसकी भाव की पुष्ट करने के लिए कृष्ण क्या करते हैं? अभी तो जानबूझ करके इसके बहू के पास में जा नहीं सकते। कृष्ण एक बछड़े के मुंह उस तरफ में करके उसका पूछ को ऐंठ देती। ऐंठ देने पर वो बछड़ा फुदकते हुए सीधा वो गोपी के पास में पहुंच जाता है। हैं कृष्ण वो बछड़े को बहाना बनाकर सीधा वहां पर पहुंचे और अपना बंसुरी को लेकर के उसका जो कपल जो गाल है कपल में थोड़ी सी स्पर्श किया और कृष्ण थोड़ी सी उनको मीठी मीठी मुस्कराहट से देखे और एक बार उनको तेरी सी चितवन से उनको देख लिया। जब कृष्ण वहां से चले गए, हैं हमारे माधुर्य जी का आदमी में पढ़ रहे थे ना, कैसे भगवान कैसे उसको स्पर्श प्रदान करते हैं, अधरामृत प्रदान करते हैं, उनको कैसे हैं अपना सौंदर्य को कैसे उनको आस्वादन कराते हैं। इसलिए कृष्ण सारे उनको आनंद देकर कृष्ण जब चले गए, बस कृष्ण उसकी मन प्राण चितों को लेकर कृष्ण वहां से चले। जब चले गए इतने में वो ठगी से तो ठगी रह गई। सबके सब कृष्ण जब चले गए घर में वापस गए, उसकी सास ने देखी सब तो वापस आए, मेरी बहू नहीं आई, मेरी बहू कहाँ गई। जब आ करके देखा वो बहू वो लकड़ी जैसे खड़ी हुई, क्योंकि जब अपना मन अगर कहीं चले जाए ना, मन तो कृष्ण लेकर चले गए हैं, एक मन सो गए श्याम संग को आराध ईस है। उद्धव जब कहते हैं ब्रज में आकर के, बोले भैया भगवान कहाँ नहीं बताओ, भगवान तो सर्वत्र है, कृष्ण का विरह में इतने व्याकुल क्यों हो, क्यों व्याकुल कृष्ण विरह में, कृष्ण सर्वत्र है, कृष्ण को ध्यान करो ना। तब गोपियां ये कहते बोले उद्धव मन ना भयो दस बीस, एक मन सो गए श्याम संग को आराध ईस। मन दस बीस नहीं होता है, मन एक होता है। लेकिन एक मन कहाँ गया? कृष्ण जब ब्रज छोड़कर गए मथुरा, वो मन तो कृष्ण के साथ में गया। तुम जो कहते हो ध्यान करने के लिए, ध्यान तो मन से करते हैं ना, लेकिन मन तो यहाँ है ही नहीं, मन तो कृष्ण के साथ में गया, पर ध्यान किस काम करेंगे हैं। इसलिए कहते कृष्ण तो मन को लेकर चले गए, वो ठगी से ठगी। सास ने बोला तेरे को मैंने पहले बुलाया था, मत जाया करो, वो काला सांप डांस देगा काट जाएगा, ते काट दिया ना तेरे को, चलो घर में चलो। तो घर में लेकर के सोचा इसको कुछ काम धंधा में लगा दूं, फिर इसका मन वापस आ जाएगा। बोले बैठे यहाँ पर, बैठ करके यहाँ पर दधि मंथन करो। वो तो लगा कर चली गई, लेकिन साथ जब थोड़ी देर बाद में आई ना, वो दधि मंथन क्या करेगा, वो राई सोरिसा है, कहते राई सोरिसा को लेकर के वो इसे मंथन कर रहे हैं। बोले ये क्या कर रहे हो? मैंने कहा दधि मंथन करने के लिए क्या कर रहे हो, है कि मन तो कृष्ण के साथ में गया है।
अभी सोचा इसको कुछ चलने फिरने का काम में लगा, बोले जा कुएं से पानी भर कर ला। हैं, एक बच्चे को हाथ में पकड़वा दिया, सर पर मटकी रख दिया और हाथ में रस्सी पकड़वा दे, जा लेकर कहा पानी। वहाँ पर और भी कुछ गोपियाँ पानी भर रही थी। ये जो रस्सी को घड़े में किया फांद लगाएगा, वो बच्चे को गले में ही फांद लगा दिया और फांद लगाकर इसको कुएं में डाल रही थी। वहाँ पर सब गोपियाँ देख रहे, देख बोले भैया इसको क्या भूत लग गया, क्या बच्चे को कुएं में क्यों डाल रही हैं, इसको क्या भूत लग गया। लेकिन वहाँ पर कुछ अनुभूति संपन्न गोपियाँ थी, वो भी तो ऐसे गोपियाँ आए ना, वो भी ऐसे तपस्या करके पूर्व जन्म में वो भी सब गोपी बन करके आई है, उनको पता है कृष्ण रूपी भूत लग जाए तो क्या स्थिति है। इतने में बोले नहीं इसको भूत नहीं लगा है। बोले कौन लग गया, बोले इसको नंद बाबा मैया जसोदा का पूत लग गया, बोले पुत्र रूपी भूत उसको ऊपर में लग गया है। तो गुरुदेव यहाँ पर एक कथा गुरुदेव सुना रहे हैं, कहते जो मन मना है मत मना, ये मन को किसको दो, ये मन को केवल कृष्ण को दो। कैसे दो, बोले यद्यपि सभी लोगों ने कृष्ण को मन दिया है लेकिन देने पर भी ये गोपियों ने जैसे तन्मयता को प्राप्त की, इसलिए जो निगम कल्पत और गलितम फलम वो श्लोक में विश्वनाथ चक्र ठाकुर कहते हैं, है वो कल्प वृक्ष का जो पका हुआ फल है, कहते फल को यद्यपि सब लोगों ने खाए लेकिन श्रेष्ठ रूप में किसने खाए हैं, कहते ये ब्रज गोपियों ने खाए। कहते वो क्या है, ब्रस है, बोले कृष्ण की अधरामृत जय 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 जा, वो जो वेद स्तुति है उस श्लोक में इसको व्याख्या किया है, कहते कृष्ण का अधरामृत ही वो रस है, वो रस को कौन पान करते हैं, कहते कुल गोपियाँ ही पान करती है। इसलिए मोह रहो रसिका भूमि भावु का, हे रसिक हे भावु क्या करो, नित्य निरंतर वो रस को पान करते रहो। इसलिए कहते मन मना भव, जो दूसरा जो शब्द है कहते मत भक्त भव, कहते क्या बनो, कहते भक्त बनना तो किसका भक्त बनो, कहते और किसका भक्त मत बनो, भक्त बनना तो केवल मेरा ही भक्त बनो हैं। इसलिए भगवान की भक्त बनेंगे तो फिर क्या करेंगे, तो वहाँ पर गुरुदेव वहाँ से विश्वनाथ चक्र ठाकुर वहाँ भी कहते हैं, अगर हम भगवान की भक्त बनेंगे तो कैसे भक्ति करेंगे हैं। इसलिए यहाँ पर उन्होंने बताए, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्य सख्य आत्मनिवेदनम इति पुंसार्पिता विष्णु भक्तिश्चेत नवलक्षणा क्रियते भगवत अध्यात्मने दितम उत्तम। जब हिरण्यकश्यप ने पूछा बताओ तेरे पिताजी क्या तुमको शिक्षा दिया है, विद्या में सर्वश्रेष्ठ शिक्षा क्या दिया बताओ, उसने प्रहलाद ने देखा बस बढ़िया जगह है, क्योंकि यहाँ पर सबको सामने गुरु पिताजी प्रश्न कर रहे, सारे सभासद यहाँ पर बैठे हैं और पिताजी गोद में लेकर मेरे को पूछ रहे हैं विद्या में सर्वश्रेष्ठ विद्या क्या, बस ऐसे बताओ ना जैसे सबको पता चल जाए विद्या में सर्वश्रेष्ठ विद्या क्या है, सबको तो पता चले ना, कोई बढ़िया चीज हो अकेले अकेले नहीं खानी चाहिए, सबको दे करके प्रसाद बांटना खाइयो, इसलिए प्रसाद बांट कर खानी चाहिए, भगत वैकुंठ जाते हैं। इसलिए क्या करो, मेरे गुरुदेव कौन है, संडामर को थोड़ी मेरे गुरुदेव है, मेरे गुरुदेव नारद जी है, माँ के पेट में रहते समय उन्हें 60,000 साल मेरे मुंडवारे हैं, 7,000 साल उन्होंने 60,000 साल उन्होंने मेरे को लक्ष्य करते हुए मैया को उन्होंने कथा सुनाए, मैया तो स्त्री सब भूल गई लेकिन मैं तो उनका चेला हूँ ना हैं, अभी चेला का अपना प्रभाव तो दिखानी चाहिए हैं अकेले, इसलिए उन्होंने बोले सबको सुना सुना करके बस उन्होंने बोल दिए भगवान के प्रति जो नौ तरह का जो भक्ति है यही भक्ति सर्वश्रेष्ठ है। पहले क्या करो, ठाकुर जी को चरण में पहले शरणागत हो जाओ। इसलिए एक है हैं, एक होता है कर्म मिश्रा भक्ति और के शुद्ध भक्ति है। इसलिए जो कर्म मिश्रा भक्ति उसमें क्या है, हाँ हाँ नहीं उसमें पहले होता है, पहले खुद कर्ता बनते हैं हैं, पहले कर्ता बन के करने वाला मैं हूँ, फिर क्या कहते हैं, कहते मैंने वो जो कुछ किया मैं भगवान को मैं अर्पण करता हूँ हैं। लेकिन जो शुद्ध भक्ति है कर्मार्पण भक्ति, कहते जो शुद्ध भक्ति है पहले खुद भगवान के चरण में समर्पित हो जाओ, सबसे पहले गुरु जी के चरण में और ठाकुर जी के चरण में शरणापन्न हो जाओ। जब हम भगवान की बन गए, अभी क्या हो गए, हम भगवान की बन गए, गले में कंठी बहना मतलब क्या है, तिलक लगाए मतलब क्या है,
आज से हम अपना नहीं रह गए, हम किसकी बन गए, गुरु जी की बन गए, वैष्णव का बन गए, आज से हम ठाकुर जी का बन गए। जब भगवान की बन गए तो किसके लिए करेंगे, जो कुछ करेंगे उन्हीं के लिए करेंगे, क्योंकि हम तुम तो ठाकुर तुम्हार कुकुर हैं, हम उनके कुत्ते हैं। कहते जैसे गैया को बेच देने पर क्या होता है, जैसे एक व्यक्ति गैया को किसको बेच देता है ना, वो व्यक्ति जो करना चाहे गैया को कर सकता है, खुंटम में बांध कर रख सकता है, नहीं तो गले से छोड़ सकता, उसको रस्सी को खोल सकता है। उसी तरह हम लोग हैं, हम लोग एकदम विकृत, हम लोग गैया है विकृत। गुरु जी और ठाकुर जी के चरण में, उनके चरण में समर्पित किया, और करेंगे तो उन्हीं के लिए करेंगे, गाएंगे तो उन्हीं के लिए गाएंगे, सेवा करेंगे तो उन्हीं की सेवा करेंगे, जो कुछ करेंगे किसके लिए करेंगे, भगवान। इसलिए यहाँ पर बताए प्रहलाद कहते सबसे पहले क्या करो, गुरु जी के चरण में भगवान के चरण में संपूर्ण पहले शरणागत हो जाओ। हम तो तुम्हार तुम्ही तो हमार की काज अपरधन, आज से हम आपका बन गए और आप मेरे बन गए। किकाज अपर धने हैं, किकाज अपर धने, दूसरे समय क्या मतलब है, ठाकुर जी हमारा और मैं ठाकुर जी की। इसलिए उन्होंने और दूसरा उदाहरण दिया है, दूसरा उन्होंने श्री अम्बरीश महाराज का उदाहरण दिया है। कैसे श्री अम्बरीश महाराज, कैसे उन्होंने एकादश इंद्रियों को द्वारा कैसे उन्होंने भगवान की सेवा की है। बोले सबई मन कृष्ण पदार बिंदयो पचांसी वैकुंठ गुणानुवर्णने करो हरेर मंदिर मार्जनादिशो श्रुति चकार चुत सत्कथा दयो मुकुंद लिंगालय दर्शन दृशो तद भृत्त गात्र स्पर्श अंग संगमम। इसलिए कहते कैसे श्री अम्बरीश महाराज कहते 11 इंद्रियों को द्वारा संपूर्ण ये 11 इंद्रियों को कैसे भगवान की सेवा में कैसे लगा कर रखे हैं। इसलिए सबई मन कृष्ण पदारविंद मत भक्त मतलब कहते भक्ति में राही करो, इसलिए मन को क्या करो भगवान के चरण में लगाओ। सबई मन कृष्ण बचासी वाणी को द्वारा भगवान की गुणानुवत करो, करो हाथों से क्या करो भगवान की सेवा करो, मंदिर मार्जन करो, कानों से क्या करो भगवान की कथा सुनो, नेत्रों से भगवान के रूप दर्शन करो। इसलिए ये एकादश इंद्रियों को क्या करो भगवान की संपूर्ण सेवा में एकादश इंद्रियों को लगा दो। भक्त ऐसे भगवान की भक्त ऐसे बननी चाहिए। उसके बाद में जो तीसरा नंबर है, मनमना भव मद भक्त माँ जाजी, क्या करो पूजा करना तो किसकी पूजा करो, केवल मेरा ही पूजा करो हैं, मेरा ही पूजा करो। इसलिए भगवान कैसे पूजा करेंगे, जैसे गंध धूप, और हमारे श्री ब्रजकिशोर प्रभु करते हैं ठाकुर जी की, भगवान यहाँ पर कह रहे हैं पूजा करना तो मेरी पूजा करो। इसलिए कहते गंध धूप दीप नैवेद्य ये क्या करो मेरे को अर्पण करो हैं, इसलिए मेरे को अर्पण करो, षोडश उपचार में मेरी पूजा सेवा करो, जैसे पृथु महाराज भगवान की पूजा सेवा करते थे। इसलिए यहाँ पर गुरुदेव एक एक कथा अच्छी अपना जीवन की कथा गुरुदेव यहाँ पर कह रहे हैं, ध्यान देकर सुनो। कहते देखो ठाकुर को पूजा सेवा में जो निष्ठा, ये कितने बड़ी चीज है, ठाकुर जी की पूजा सेवा में जो निष्ठा है, हमारे भक्ति प्रमोद शिवपुरी गोस्वामी महाराज थे हैं, भक्ति प्रमोद तुम लोग नहीं जानते हो, जानते हो भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज, वो ब्राह्मण घर में जन्म है, दिन में ना बैठ करके ठाकुर को घंटे घंटे तक ठाकुर जी की सेवा करते थे, घंटे घंटे तक बैठ करके, और उसमें संपूर्ण रूप में महाराज जी अभिष्ट हो जाते थे, एकदम अभिष्ट घंटे घंटे तक, चरण तुलसी देना, अगुर देना, अकर्पूर देना, ठाकुर को श्रृंगार करना, ठाकुर जी की सेवा करना, उसमें पूरा अभिष्ट रहते थे। और इतने अभिष्ट रहते थे, अगर ठाकुर का शरीर में कुछ हो जाए ना, अपने आप उनको शरीर में पता लगता था। एक बार क्या हुआ, जैसे गोपाल जी थे मंदिर में, गोपाल जी थे, तो किसी मंदिर में कभी दिया लगा था ना, पुजारी को ध्यान रह, दिया थोड़ी सी पास में कैसे हो गया है, अभी जैसे भोग लगाकर जब बाहर निकल जाते हैं, बाग जैसे पूजा हो गया चले गए, लेकिन वहाँ दिया वहीं पर जलते रहा, जलते जलते जो गोपाल जी जो थे सिंहासन में थे, कैसे उसमें आग लग गई, उसमें आग लग गई। तो उस समय ये हुआ बंगाल में घटना है, और यहाँ से आज
भक्ति प्रमोद परिषद पुरी में थे। वो जब पुरी में थे, अभी एक दिन क्या हुआ, उनका सारा शरीर में जैसे आग लगा हुआ है, सारा शरीर में इतनी गर्मी हो रहा है शरीर। उन्होंने बोले क्या हो गया आज मेरे शरीर में इतनी गर्मी क्यों लग रहा है, आज मेरे शरीर जैसे जल रहा है, हैं गर्मी क्यों लग रहा है, क्या बात है मेरे शरीर गर्मी क्यों लग रहा है। तो उन्होंने बोले पूछो तो किसी मंदिर में कुछ तो हुआ ही नहीं। तो उन्होंने फोन किया जो उनको जो सेवा कर रहे थे, उन्होंने जब फोन किया तो फोन करते करते पता चला, जब उन्होंने बोले गुरुजी बोल रहे हैं, उससे बोल रहे हैं उनको शरीर में एकदम गर्म लग रहा है जैसे आग लगी हुई क्या पर। तब पुजारी वहां से फोन आया, आज उन्होंने ठाकुर के पास में दिया जलाया था, किसी तरह दिया लग गया, उनका कपड़े भी लग गया, जल गया है, जला वहां पर और इनके शरीर में ताप हो रहा है। बोले एक समय और एक घटना हुई, एक समय कोई पुजारी जैसे गोपाल है ना, हैं जैसे गोपाल जी को हाथ में लेकर कहीं पोछा लगाते हैं, महाप्रभु को लेकर कोई पुजारी पूजा कर रहा था और कैसे उनका हाथ से गिर गया ठाकुर जी। जब ठाकुर जी गिर गया ठाकुर जी, इतने में ठाकुर जी हैं कहते इनको उनको ये चीज महसूस हुआ हैं, कुछ ठाकुर के शरीर में कुछ अनुभव नीचा हुआ है। लेकिन जो पुजारी था ना वो बात को जैसे घर को अंदर में जो पूजा करते हैं ना, यहाँ पर तो खोल कर करते हो, लेकिन किस किस मंदिर में दरवाजा बंद करके करते हैं, पूजा करते समय दरवाजा को नहीं खोलते, अंदर में करते हैं। लेकिन उसका हाथ में तो ठाकुर जी, उसने किसी को बोला नहीं, बोले नहीं तो डांट लगाएंगे, मेरे हाथ से ठाकुर जी गिर गए, इसलिए किसी को बोला ही नहीं। लेकिन महाराज को ये फील हुई है, ये फील हुई उनके शरीर में भी बड़े उल्टा पुल्टा होने लग गया शरीर में। इतने में उन्होंने बोले पता लगाओ किसी मंदिर में ठाकुर को कुछ हुआ नहीं, इसको सुन करके पूजा तो डर गया, क्यों वो किसी को बोला ही नहीं। लेकिन गुरु जी ने जब फोन किया, गुरु जी कह रहे हैं जे ठाकुर के शरीर में तो कुछ हुआ ही नहीं। फिर उन्होंने गुरु जी को बोल दिए, बोले गुरु जी ऐसे ऐसे सेवा करते करते मेरे हाथ से ठाकुर जी नीचे गिर पड़ते हैं, इसलिए ऐसे उनकी अभिष्टता थी ठाकुर का कुछ हो इनके शरीर में। तो गुरु जी एक अपना गुरु जी अनुभूति की बात कह रहे हैं, बोले मथुरा में कोई एक भक्त था, किसी मंदिर में भक्त था, उसका बड़ा निष्ठा, क्या निष्ठा है, रोज जाएंगे यमुना में एकदम सवेरे सवेरे यमुना में, भले ही जितने ठंडी, और मथुरा का ठंडी आपको पता होगा, मथुरा में जो रहे उसकी ठंडा पता होगा कितना ठंडी उधर, और रोज जाएंगे सवेरे और वहाँ से कलश में पानी भर कर यमुना की पानी लाएंगे और उसी पानी में ठाकुर जी को स्नान कराएंगे। और उसी समय था एकदम ठंडी का समय, और एक दिन उन्होंने जब गए और आकाश में कोहरा था, वहाँ जब कोहरा होता है ना, कोई कोई किसको देख नहीं सकता, इतने कोहरा पास में दिखाई नहीं पड़ता है, और बारिश ही हो रही थी, हैं बारिश ही। तब उन्होंने रोज तो नित्य नियम था, रोज जाकर यमुना का पानी लाए, ठाकुर का स्नान कराए। तब उन्होंने चले गए ब्रह्म मुहूर्त में, ब्रह्म मुहूर्त चले गए एकदम, तो कोई सुनसान और पानी एकदम ठंडा, लेकिन वहाँ पर स्नान किए, स्नान करते हुए कलश में पानी भरे, जब आए ना बारिश होने लग गई, और ठंडा का समय बारिश हो रहा है, इतने में वो ठिठोर रहे हैं। जब ठिठोर रहे हैं, अभी सबेर नहीं हुआ, जल्दी चले गए थे, हठात उन्होंने देखा हैं एक सामने एक छोटा सा बालक ये लंठन लेकर के हारकिन लेकर के जा रहा है। तब उन्होंने जब देखा एक बालक को, हठात उन्होंने बालक रुक गया, बोले जब रुक गया बोले बाबा तुम आप कहाँ जा रहे हो, बोले मैं अमुक स्थान पर जा रहा हूँ। वो बालक ने कहा मैं भी वहाँ जा रहा हूँ, और वो अपना शरीर में एक कंबल को ओढ़े थे, बोले बाबा इधर आ जाओ ये कंबल को आप भी ओढ़ लो, बारिश हो रही है। तो उन्होंने उनको ऊपर कंबल को ओढ़ा दिया, ओढ़ा करके उनके अंदर में ठाकुर जी उनको ले गए, और उनको ले करके वो स्वयं भगवान कृष्ण थे, हैं गुरु जी कह रहे हैं उनको ले करके कहाँ पर गए, जब मंदिर आ गया ना, बोले बाबा आप जाओ, बोले ठीक है। जब गए वो बाबा गए, जब देखा पीछे घुमा ना वो बालक है ही नहीं, कहते बालक है ही नहीं। तो गुरुदेव कह रहे कौन थे, कहते अगर कोई निष्ठा से ठाकुर जी को, अगर कोई निष्ठा पूर्वक ठाकुर को सेवा पूजा करे ना, भगवान कैसे, किंतु कहते ना विग्रह नो तब तुम्हें साक्षात ब्रजेंद्र नंदन, वो विग्रह नहीं भगवान है। अगर उनकी निष्ठा पूर्वक कोई सेवा करेगा ना, भगवान स्वयं आकर उनको मदद करते। गुरु जी कहते अपनी ये मेरी अनुभूति की बात है, इसलिए कहते माम जाजी, कहते माम नमस्कुरु, अंतिम जो भावना है कहते माम नमस्कुरु, क्या करो मेरे को नमस्कार करो, कहते मेरे को नमस्कार करो। तब यहाँ पर गुरुदेव यहाँ पर कहते हैं भगवान को नमस्कार करने का कितना महत्व है,
ये कौन कह रहे हैं? कहते जम महाराज, ये जम दूतों को कह रहे हैं। बोले क्या कह रहे हैं? बोले जिहा न भक्ति भगवत नाम गुण देयम चतस्त न स्मरति तत् चरणारविंदम कृष्णायो नो नमति जात सीर एकदापि तान अनधम असोत कृत विष्णु कृत्यान। यहाँ पर जम महाराज, जब जम दूतों ने कहा आप बताओ हम किसको किसको अब के पास में लानी चाहिए, नहीं तो रोज रोज लड़ाई झगड़ा होगा, क्योंकि जमदूत गए थे लेने के लिए किसको, अजामिल को लेने के लिए गए थे, और विष्णु दूत ने उन्होंने नारायण बोलते ही झट भगवान के चार दूत आए, बड़े शास्त्रार्थ तर्क वितर्क हुआ। हैं हैं उन लोगों ने प्रश्न किया, बताओ धर्म का क्या लक्षण है, धर्म का क्या लक्षण है। जमदूत को पूछे तुम कह रहे हो तुम लोग विष्णु ये धर्मराज का दूत है, धर्म का स्वरूप बताओ, क्या धर्म किसको कहते हैं, हैं? इसलिए बोले वेद प्रणयित धर्म अधर्म तत् विपर्जय, उन्होंने इसका उत्तर दिए। फिर उन्होंने प्रश्न किया लेकिन उनको सही उत्तर नहीं दे पाए। बोले ये चीज किसको पर लागू होता है बताओ, ये किसको पर लागू होता है बताओ, उत्तर नहीं दे पाए। इसलिए गए थे ये लेने के लिए, दोनों में घमासान लड़ाई युद्ध हुई, युद्ध में उन्होंने परास्त कर दिया, विष्णु ने भगा दिया मार मार करके, और इन लोगों ने अपना अस्त्र शस्त्र को लाए और जम महाराज को चरण में पटक दिया। बोले आज से आपको नौकरी फोकरी नहीं करना है, लो अपना अस्त्र शस्त्र लो। बोले भैया बात किया, बोले बात किया, हम तो पहले सोच रहे थे आप धर्म राजा हो, जगत का हर्त करता विधाता आप ही हो, हमने देखा आपको कोई मानते ही नहीं दुनिया में, आपको कोई नहीं मानते हैं, बेकार राजा बने हुए हो, कोई मानते नहीं। बोले बात तो क्या बताओ, बोले बात क्या बताएंगे, एक अजामिल नाम का बहुत बड़ा पापी था, हम उसको लेने के लिए गए थे, जब लेने के लिए गए थे पता नहीं कहाँ से चार हाथ वाले शंख चक्र गदा पद्मधारी, देखने में बड़े सुंदर तेज, क्या शरीर में तेज था, वो झट प्रकाशित हुए और वो आ करके हमको इतने गाली गलौज किया, शास्त्रास्त्र में परास्त कर दिया, मार मार भगा दिया, अपमान सहन नहीं कर सकते, सब अस्त्र शस्त्र है, हमें सब जरूरत नहीं काम धाम की, जगत में आपको कोई नहीं मानते हैं, कोई नहीं। तो उन्होंने बोले भैया मरते समय उसने कुछ बोला था? बोले हाँ नारायण ऐसे कोई बोला था, बस जब महाराज सुनते तो बेहोश हो गए। बोले बड़े दिनों में हाँ ये कर्म का चक्कर में हाँ नरक में फंसे हुए हम, हाँ काम धाम में बड़े दिनों में अपना प्रभु का नाम सुनने को मिला। बोले प्रभु आप कभी कोई प्रभु होते हैं, हम तो सोच रहे थे आप ही दुनिया का मालिक हो। बोले मूर्खो तुमको क्या बताए, मैं तो केवल नौकर हूँ, हैं मेरे प्रभु तो नारायण हैं, हैं स्थावर जंगम सबका जो ये मालिक है, कहते ये नारायण है। तो उस समय में बोले देखो जो भगवान की भक्ति करते हैं ना उनको मेरे पास में बतलाया करो। तब उन्होंने बताए एक चार्ट लिखो, जब महाराज बोले चार्ट लिखो, चार्ट लिख करके हमको दो, अभी किसको लाना किसको नहीं लाना लिख करके दे दो, फिर हम वैसे लोगों को लाएंगे, नहीं तो रोज लड़ाई होगा, घर कहाँ जाएंगे, कोई आ जाएगा बोले कि तुम कैसे आ गए, कोई चार्ट लिखो। ये जम स्वयं अपना मुंह से ये बात को बता रहे, उनकी चाट है किसको किसको लेकर के आओगे। बोले जीवा न भक्ति भगवत गुण नाम देयम, कहते जिसका जीवा कभी भगवान का नाम रूप गुण को जो कभी नहीं बोलता है। बोले चतश्च न स्मरति जत तत् चरणारविंदम, जो भगवान की चरण कमल हृदय में स्मरण नहीं करते हैं। बोले कृष्णाय नो नमति जत सीर कदापि, जिसका सर कभी भी भगवान के चरण में एक बार नतमस्तक नहीं हुआ। कदतान अनर्थम असत अकृत विष्णु कृत्यान, ऐसे दुष्टों को लेकर के आना है, ऐसे दुष्टों को मेरे पास में। यहाँ पर कहते हैं कृष्णाय नो नमति जत सीर कदापि, जिसने कभी भी भगवान कृष्ण के चरण में एक बार सर को नहीं नमाया उसको ही पकड़ कर ले आना। इसलिए श्लोक में कह रहे, इसलिए मतलब यहाँ और एक श्लोक कहते हैं, कहते कृष्ण प्रणामे न पुनर्भवाय, कहते कृष्ण को चरण में एक बार अगर कोई प्रणाम कर लिया तो फिर जगत में जन्म ग्रहण नहीं करता है। बोले दस्वास मेधी पुनरेत जन्म कृष्ण प्रणाम न पुनर्भवाय, है दस्वास मेधी पुनर्जमेति, भले ही दस्वाधमित जो यज्ञ हैं भले ही जितने कर लो हैं, लेकिन अगर कोई एक बार कृष्ण का चरण में प्रणाम कर लिया तो इस संसार में नहीं आते हैं, नहीं आते हैं। इसलिए यहाँ पर
कृष्ण की भक्ति प्राप्त करती। फिर यहाँ पर कहते सठयापि नमस्कारम कुर्वत सांख ध निते सत जन्मार्जित पापम तत्क्षणा एव नश्यन्ति। इसलिए सत जन्मार्जित पापम तत्क्षणा देव नश्यति। अगर किसने भगवान के चरण में एक बार प्रणाम किया तो 100 जन्म का अर्जित जो पाप है उसी समय में ही नष्ट हो जाता है। भगवान के चरण में प्रणाम करने का इतना महत्व है। इसलिए लास्ट में कृष्ण क्या कहते हैं, क्या करो अर्जुन, मेरे को प्रणाम करना, तो किसको प्रणाम करो, मेरे को प्रणाम करो, मेरे को प्रणाम करो। हैं तो यहाँ पर जो जिस श्लोक में कहते हैं और एक भावना बताए, बोले मन मना भव, क्या करो मन को मेरे को दो। बोले भैया इतना आसानी नहीं, बोलना जितना सहज है ना, आप भजन करने के लिए बैठो माला जप करने के लिए, बस मन अपना घर में चला गया, यार दोस्तों को साथ में, किसको साथ में हमने क्या क्या किया था, किसको साथ में घूम रहे हैं, किसको साथ में गोलगप्पे खा रहे हैं, किसको साथ में सिनेमा देख रहे हैं, बस इधर हरे कृष्ण कर रहे हैं, मन कहाँ चला गया, अपना काम कहीं कर रहा है, हैं। इसलिए कृष्ण स्वयं कहते चंचल ही मन कृष्ण प्रमाथी बलवत दृढ़। ये द्वापर युग में कृष्ण स्वयं कहते हैं हे अर्जुन, हे कृष्ण ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं, हैं ये मन कहते, इसलिए कहते मन मना भव। तब कृष्ण कहते अगर ये तुमको कठिन लगता है ना, इसलिए क्या करो, मेरे मत भक्त भव, मेरे भक्त बन जाओ, हैं मेरे भक्त बन कर क्या करो, मेरे को हैं मेरे को एकादशी इंद्रियों को जरा मेरे को सेवा पूजा करो मेरी, हैं। जैसे तब वहाँ पर गुरुदेव ने बिल्लो मंगल का भी कथा उन्होंने सुना है, कैसे बिल्लो मंगल कैसे पहले एक वेश्या के प्रति कैसे आसक्ति थे, लेकिन वेश्या की भर्त्सना को सुन करके कैसे सब छोड़ छाड़ करके कैसे भजन के लिए आए, और बीच में कोई एक सेठानी का प्रति आसक्ति हो गई। बोले ये दुष्ट आँख ही जितना गड़बड़ी है, वहाँ हमने छोड़ कर कहा गया वेश्या को, और यहाँ आँख आकर सेठानी का प्रतिभास, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, आँख कोई फोड़ दी। बोले ये आँख देखना जितने इंद्रियों में ना जितने गड़बड़ी करने वाली आँख है, इसलिए गड़बड़ी करने वाली ये आँख है। देखना जो चीज हम आँखों में देखे हुए होंगे ना, अब जो भजन करने के लिए बैठे किस किस चीज की याद आती है, जिनको हमने इन्हें आंखों से देखा, ये आँख क्या करती है, जितनी गंदी चीज को ले ले करके ना अंदर में डालती रहती है, अंदर में ये गंदी चीज को डालती रहती है, और डाल कर क्या करती है, खुराबात करती है। जो भजन करने के लिए बैठो बस आँखों में जो देखा, जिसको आँख में बैठा लिया है, बस वही चीज याद आती है, भजन याद नहीं आता, ये आँख बड़ा दुष्ट, इसलिए आँख ही फोड़ दिए, बस वृंदावन के लिए चल पड़े। कृष्ण स्वयं आ गए, बोले बाबा कहाँ जा रहे हो, बोले वृंदावन, बोले मैं भी वृंदावन जाता हूँ, बोले तुम भी वृंदावन जाओगे, बोले हाँ, बोले थोड़ा लठिया पकड़ लो, बस भगवान कृष्ण बिल्लो मंगल को लठिया पकड़ कर वृंदावन ले आए। अब वृंदावन में जहाँ पर कालियादा है ना, वहीं पर बैठ कर भजन किया उन्होंने, जब भजन किया इतने में उनकी भजन की जब सिद्धि हो गई, स्वयं जुगल सरकार राधा कृष्ण स्वयं आए, और वो तो अंधा है भजन कर रहा है, इतने में कृष्ण स्वयं कृष्ण जानबूझ करके, हैं इतने स्वयं कृष्ण जानबूझ कर कह रहे हैं, बोले हे राधे वहाँ मत जाया करो, देखो ये बाबा अंधा बाबा ना बड़ा बदमाशी है, वो अगर तुम्हारी चरण पकड़ लेगा तो छोड़ेगा नहीं, मतलब क्या है, वो उनको कह रहे चरण पकड़ लो सामने भगवान है, राधा रानी कह रही है कहते कृष्ण मत जाया कर, मतलब राधा रानी उनको सुना सुना देख नहीं पा रहे ना, कह रहे चरण पकड़ लो सामने, हैं सारे सामने ठाकुर जी खड़े हैं, बस इतने में चरण पकड़ लिए, जब चरण पकड़ लिए बोले छोड़े ही नहीं, हैं जब छोड़े ही नहीं, अरे मेरे छोड़ चरण, बोले मेरे चरण को छोड़, बोले नहीं प्रभु चरण एक बार पकड़ लिया छोड़ने वाला नहीं है। इतने भगवान ने भगवान ने उनका आँखों को पर हाथ घुमाया तो फिर आँख आ गई, तब आँख आ गई तो भगवान उसको दर्शन दिए जुगल सरकार। उसके बाद जो भगवान गए बिल्लो मंगल कहता है, बोले प्रभु आप तो चले गए मेरे सामने से, लेकिन अब हृदय से निकल करके दिखाओ तो मैं आपको मैं बलवान समझूंगा, जब मेरे हृदय से आप निकल करके जाओगे, ऊपर भले ही चले जाओ कोई जरूरत नहीं, लेकिन हृदय से निकल करके जाओ तो आपको मैं बलवान समझूंगा, पहलवान समझूंगा, हैं। इसलिए लास्ट में उनको दर्शन दिया है बिल्लो मंगल, फिर उन्होंने कृष्ण करुणामृत ग्रंथों को लिखे। इसलिए यहाँ कह रहे हैं अगर तुम मेरे भक्त नहीं बन सकते हो ना, एक काम करो, क्या करो, मेरे पूजा करो, मेरी पूजा करो,
हैं, षोडश उपचार से मेरी से पूजा करो। बोले भैया अगर इतना भी नहीं हो सकता है तुमको, क्या करो मेरे को थोड़ी सी प्रणाम कर लो, हैं मेरे को एक बार प्रणाम कर दो बस, कृष्ण प्रणाम नपुनर भवायो। अगर मेरे को एक बार प्रणाम कर लोगे ना, फिर तुमको जगत में पुनर्जन्म नहीं होगा। भगवान इतने सरल उपाय बताए। यहाँ पर फिर यहाँ पर कह रहे हैं, यहाँ पर एक अच्छी बात कह रहे हैं, बोलते कहते मन मना भव मद भक्त भव माम जाजी माम नमस्कुर माम एससी सत्यम प्रति जानी प्रिय हसी में। तो मेरी प्रिय हो इसलिए मैं तुमको ये कह रहा हूँ, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ, मैं तुमको बोलता हूँ। तब यहाँ पर कह रहे हैं भैया मथुरा में तो सब ऐसे कसम खाते रहते हैं, हैं बोले तेरे कसम खा रहा हूँ, कसम समझता ना, उड़िया में क्या कहते हैं, हैं हैं हाँ प्राणा, इसलिए कसम वहाँ तो खाते रहते सब, बोले तेरे सर छूता हूँ गला छूता हूँ, ये वहाँ तो ऐसे हंसी दिले कि मैं सखा लोग तो बोलते रहते हैं वहाँ पर, तेरे कसम खा रहा हूँ तसर कसम, तुम ऐसे कसम खा रहे हो, है तुम कसम खा रहे हो, अगर तुम सब कुछ अगर मेरे को दे दोगे, मन मना मद भक्त बनोगे, मेरे को प्राप्त करोगे, लेकिन इस दुनिया तो कसम खाते हैं। तो भगवान कहते नहीं ऐसे नहीं, इसलिए मैं प्रतिज्ञा करके कह रहा हूँ, ऐसे साधारण रूप में कसम नहीं, मैं प्रतिज्ञा करके कहता हूँ तुम जरूर मेरे को तुम प्राप्त करोगे, जरूर मैं तेरे को। और जिसको पाने पर क्या होगा, जत गत्वा न निवर्तन्ते तत् धाम परम मम, जिसको एक बार पाने पर ये जगत में फिर पुनर्जन्म नहीं होता है। इसलिए कदि जो गीता का जो श्लोक है, कदि ये गीता का सर्वश्रेष्ठ ये उपदेश है। बोले श्री कृष्ण के नैया लाल की गीताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि वो कृपा सिंधु पतितानंग पावने भो वैष्णव भो नमो नमो। गीता का एक श्लोक को, एक श्लोक गीता को अच्छे तरह से पढ़ लो ना, गीता का।